welcome. So what's up people? It's your boy Tilzul Khan. Welcome back to the another vlog. انت معلم واحنا منك نتعلم. انت معلم واحنا منك. अभी हम लोग हैं कोठारी मार्केट पर एंड अभी मैं जा रहा हूँ मीट एंड ग्रीट के लिए एंड अदनान शेख आ रहा है, मतलब अदनान भाई अभी हल मेरे भाई के साथ नहीं है, वो लोग जा रहे हैं तो हम देखते हैं क्या होता है क्या नहीं है, उनसे मिलने जाना है वैसे. एंड काफ़ी दिनों बाद मैं चैनल पर एक्टिव हुआ हूँ एंड मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है. पब्लिक काफ़ी दूर हुई है एंड आई नो, बट ये जो चीज़ें होती है ना, मतलब उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए. एंड अभी हाल मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, काफ़ी दिनों बाद चैनल पर हुआ. और मतलब कहते हैं ना कि पर्सनल इश्यूज हो जाते हैं किसी के लाइफ में, वैसे मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था. तो अब ठीक है ना, जो होना था वो हो गया, लेकिन मैं फिर भी ब्लॉग कंटिन्यू रखूँगा एंड आप लोगों को ऐसे एंटरटेन करते रहूँगा. टाइम लगेगा, सो अदनान भाई को टाइम लगेगा, तो हमने सोचा थोड़ी सी शॉपिंग क्यों नहीं होता है. तो हम लोग अभी जा रहे हैं टी आई मॉल के बैक साइड में. आपको दिखेगा मैं टी आई मॉल के बैक साइड में हूँ. सो अभी हाल हम जा रहे हैं टी आई मॉल एंड वहाँ पर जाकर देखते हैं क्या है क्या नहीं. सोचा चलते हैं देखते हैं. एंड हाँ, एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, मैं चैनल पर क्यों एक्टिव नहीं था वो मैं आपको तो ब्लॉग के एंड में ज़रूर बताऊँगा कि क्या इशूज़ हुए थे मेरे साथ में. तो तब तक के लिए थोड़ा वेट. देखते हैं शूट अलाउड है या नहीं, इससे जहाँ तक मुझे लगता है शूट तो अलाउड हो जाएगा, बट अब जाते हैं. अभी हमने ट्रेंड जाने का डिसाइड किया है इधर जाते हैं. सो अभी हमने रिलायंस ट्रेंड जाने का डिसाइड किया है, बिकॉज वहाँ पर भाई को टी शर्ट पसंद आ गई थी. सो वहाँ पर जाते हैं एंड चेक करते हैं, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है वहाँ पर शूट अलाउड नहीं होगा. जितना मुझसे होगा मैं उतना आपको दिखा दूँगा. साथ जो पर्सनल इश्यूज हुए थे वो क्या हुआ था, जैसे कि आपने देखा होगा मेरे लास्ट व्लॉग में कि मेरे पास आईफोन 6 था मेरे पास. सो उस आईफोन 6 के साथ कुछ प्रॉब्लम होने लगी, मतलब मैं व्लॉग शूट करता था एंड उसकी बैटरी ऑटोमेटिकली जाने लगी थी. उसकी बैटरी ख़राब हो चुकी थी, उसे सेल कर दिया था. तो सेल करने के बाद में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था शूट करने के लिए, बिकॉज उसका कैमरा बेस्ट है और रेडमी का समझ रहा हूँ ना थोड़ा, सो आईफोन होता है, तो इस वजह से मैं शूट नहीं कर रहा था काफ़ी दिनों से. लेकिन फिर भी आज मेरा दिल हुआ तो निकल गया. ऑलराइट, शॉपिंग डन. भाई की मेरी नहीं, भाई पकड़े आप. तो भाई की शॉपिंग हो चुकी है, अब हम जाने वाले हैं मैक्स में जाकर ट्राई करते हैं कुछ न्यू आउटफिट, बिकॉज मुझे वहाँ के ट्रेंड जमता है. रिलायंस ट्रेंड्स भी अच्छा है, बट जो अपन फैशन वेयर करते हैं ना उस टाइप का थोड़ा सा ऐसा हो जाता है. तो अब जाकर मैक्स में ट्राई करेंगे एंड देखते हैं. ठीक है, घर का सामान.
कैमरा ड्रोन, कैमरा ड्रोन नहीं है, इट्स नॉट अ कैमरा ड्रोन, दिस इज बच्चों का खिलौना, बच्चे खेलते हैं इसे यार। मुझे लगा ड्रोन है, सो मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, इट्स अ टॉय। ओके, सो वी आर एक्सेप्ट टू मॉल, मॉल से एक्सेप्ट, ये जो हवा जो होती है वो गलत लगती है मुझे। ये जो कार मेरे सामने चल रही है अदनान भाई इसके अंदर है इस कार में, अब मैं उनसे जाकर मिलूंगा। Sing to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you do. Christmas, every time we start. बहुत अच्छा लगा एकदम, अनएक्सपेक्टेड था, मैं सोचा भी था इतनी फैंस लगे होंगे और यहाँ के लोग इतने मोहब्बत ही रहेंगे, मुझे लगा ही नहीं था फर्स्ट टाइम विजिट किया, बहुत अच्छा लगा। भाई नेक्स्ट टाइम आना चाहेंगे इंशाल्लाह पूरे ग्रुप के साथ। थैंक यू सो मच। अभी अभी बिजी 07, अभी 07 डी, अभी 07 भाई, इंदौर विद माय फ्रेंड अदनान 07 भाई, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, इंदौर में आपका प्यार बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप सभी का प्यार भाई, नेक्स्ट टाइम फिर आना है आप लोगों को इंशाल्लाह पूरी टीम के साथ। थैंक यू, थैंक यू। आशु कैसा भाई, उसका नंबर स्विच ऑफ बता रहा है, क्या करूँ अभी, कहाँ है भाई लोग। अभी जस्ट मैं फ्री हो चुका हूँ एंड क्लास से निकल रहा हूँ, तो मुझे अमेजोन वाले का कॉल आ चुका है, सो उसके पास मुझे जाना है एंड डिलीवरी रिसीव करना है। एंड ये जो मेरा पार्सल आया था इसे मैंने ऑलरेडी अनबॉक्स कर लिया है, तो अब मैं इसे आप लोगों के सामने एक बार फिर अनबॉक्स कर दिखाता हूँ, इसमें देखते हैं कैसे लाइट है कैसे नहीं। एंड आपको बाय करनी हो तो आप डायरेक्टली जाकर अमेजोन से बाय कर सकते हैं। डाल दिया मैंने इसके अंदर, और देखते हैं इसकी लाइट्स, लाइट तो काफ़ी अच्छी है, मतलब मैंने इसको रिटर्न करवाया है था, मतलब ऐसे अभी डायरेक्ट बाय नहीं करा था, कि आप देख सकते हैं इसका लाइट का रिजल्ट। मैं चाहता हूँ कि आपको इसका एक
एक ऐसा शॉट देखो जिसमें लाइट मेरे फेस पर आ रही हो एंड आप लोग इसको देख सको इसके रिजल्ट्स कैसे हैं कैसे नहीं। तो ट्राई करते हैं, मैं इसको अपने फ़ोन पर होल्ड करूंगा एंड देखते हैं ये लाइट का मतलब कितना रिजल्ट अच्छा है। वैसे तो मुझे इतना खास नहीं लगा, ये भी डीप मोड पर है एंड ये सेकेंड मोड इसका नॉर्मल मोड एंड ये हाईएस्ट मोड है। अब अपन इसको अपने फोन पर लगा दिया है। ओके, इसे थोड़ा सा कुछ डिफरेंस आ रहा है वीडियो क्वालिटी में, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी अच्छी वीडियो क्वालिटी आ रही है एंड यहाँ पर तो ऑलरेडी बहुत लाइट है। तो ओके ओके, एंड आपको मेरी लाइट बाय करनी है तो जाकर अमेजोन से डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। ओके, सो मैंने आपको कल के ब्लॉग के बारे में बताया था कि कल काफ़ी प्रॉब्लम हो चुकी थी एंड मैं शाम को मुझे 7 बज गई थी एंड अंधेरा भी हो चुका था तो इस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया था। 7 बज गई थी एंड वीडियो शूट नहीं कर पाया मैं इस वजह से एंड वहाँ पर काफ़ी इशूज भी हो गए थे। वहाँ का जो मतलब जो मैं जैसा चाहा था जैसे एक्सपेक्टेशन थी वैसा नहीं मिला अदनान भाई को एंड उनके जो फैंस वगैरह थे उनसे भी नहीं मिल पाए, काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी। उस चीज़ को मैं नहीं दोहराऊंगा एंड ना बता पाऊंगा, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। एंड आज का ब्लॉग यहीं हम लोग एंड करते हैं, होप सो आप लोगों को मज़ा आया होगा। सो आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू डिड मेक श्योर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड आई विल सी यू गाइस टिल देन, बाय।